Hey, good morning, good evening, ladies and gentlemen. Namaskar, I'm Bani. Namaskaram, everyone. My name is Nikhil, and you are watching This Audi TV. This is your one-stop channel for all the entertainment on YouTube. India Private Limited. Worldwide. United States of India. ठीक है. So guys, this is a song by Arjun Tilan. हमने इनका पहले song किया था. GUTT. Good. Good. और उसका I button पे TH है. हाँ. उनका सॉन्ग था उसके साथ ही था. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधे सब्सक्राइब करेंगे और आपको हमें फॉलो करना है इंस्टाग्राम पे इंस्टा विद निक इंस्टा विद बानी. अब कर रहे हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कथ ब्राउन स्टूडियोज एंड हरविंदर सिद्धू प्रेजेंट्स अर्जुन ढिल्लन कथ इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. देखा है भिंदर फोर्ज डायरेक्टेड बाय मर्सी. पे खाते अच कद नहीं अकात दस दे पिंडो तुरा लोकी चढ़दी बरात दस दे खाते अच कद नहीं अकात दस दे पिंडो तुरा लोकी चढ़दी बरात दस दे ओ वैलियां नु उमरां दी घाट दस दे कहंदे बाहलियां तो छब्बी मानी जांदा टप्पिया. यार अर्जुन ढिल्लन के जो लिरिक्स होते हैं ना वो बहुत मतलब बहुत टफ है. मुझे गाना याद आ रहा है. कौन सा? हले तक कुछ समझ नहीं आनिया. नहीं क्योंकि ना हमें मुझे किसी ने बोला कि इनके रिएक्शन के बाद ना किसी का और का रिएक्शन था. हाँ. वो देखो मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा. आई ट्राई टू पोस्ट दैट इन हियर. और उन्होंने समझाया कि गुट में बहुत सारी चीजों के रेफरेंस लिए गए थे. yes, ठीक है? जो कि एक्चुअली हमने मिस किए थे जो हम पकड़ भी नहीं पाते. अवेयर ऑफ इट हम पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि अगर हमें हम उस चीज को लिव किए होते तो हम पकड़ पाते. तो हमें किसी ने बताया वो ठीक है. तो अब हम इसको थोड़ा स्लो करके चलेंगे और समझेंगे क्या कह रहे हैं वो. जो पास अवे हुआ है वो वाज इट लेट मी सी. आई मीन अभी तक अर्जुन ढिल्लन इज टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारी जो बरात तुम्हारे तुम्हारी औकात जो होती है ना वो तुम्हारे पैसों से नहीं है. जो तुमने काम किया है उस वजह से है. जो पिंडो निकल दी बरात मतलब इन द सेंस कि तुम्हारे लोग कितने तुमने कितने लोगों को चहिता बनाया तुमने किसी के लिए सोशल सर्विस किए नहीं कि वो मतलब निकल रहा है इसका. अगर मैं डिटेल में डीप जा रहा हूं तो मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं ले रहा हूं मैं उससे एक्सट्रैक्ट ले रहा हूं. तो वो ये बात बोल रहे हैं. उसके बाद कि लेकिन उसने जिंदगी में क्या खटेया उसे क्या पाया जिंदगी से. तो दैट इज अ क्वेश्चन. अब वो मेरे को था कि अर्जुन ढिल्लन ही है कौन है. इन्होंने एक कंपैरिजन दिया है कि जब हम जीते हैं तब महफिलें लगती हैं जब मरते हैं तो मेले लगते हैं. मेले लगते हैं और हमने कोई छोटे बड़े नहीं कमाए दोस्त जो कहते हैं एक सेम यारी कमाई है. हाँ मुझे काफी इंटेंस लग रहा है यार. हाँ मरे उत्ते लगने हैं मेले बलिए
ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਬਿਲੋ ਮਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣੇ ਆ ਮੇਲੇ ਬਲੀਏ ਯਾਰ ਖੱਟੇ ਪਿਆਰ ਦਿਲ ਧਾਰ ਖੱਟਿਆ ਨਾ ਹੀ ਅਸਤਾਦ ਨਾ ਹੀ ਚੇਲੇ ਬਲੀਏ ਜੰਮਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਵੇ ਜੰਮਿਆ ਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਚੱਕੂ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਚੱਕਿਆ जिंदगी में क्या खटे है? को वो पूछना कि उसने सब कुछ प्यार ले लिया, सब कुछ ले लिया और वो खड़ा रहा अपना उसके साथ, उसको क्यों मारा? ਦਿਲ ਬਿੱਲੋ ਤੇਰਾ ਹੀ ਰਹੂ ਦੱਸ ਕਾਹਦਾ ਦਾਵਾ ਏ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਖੱਲ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੋਣੀਏ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸੋਣੀਏ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਡਿਆਉੜੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਟੱਪਿਆ एक ना सब कुछ समझ आ रहा है कि बीच में बोलते हैं सिविया नु जानदा ना मेरे को सिविया वो नहीं समझ आ रहा है। वो समझ नहीं आ रहा मुझे है। वो बहुत थेट है समथिंग ਸਿਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜਨ ਢਿੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਾਣਾ ਦੇਖਿਆ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਆ ਕਿਸ ਕੋ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਫਰੈਂਡਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ I do not know, मुझे नहीं समझ आ रहा मतलब I guys I'll need your help in this ठीक है क्योंकि कुछ हम गलत बोल देना तो वो भी अजीब सा लेकिन ज्योति समय नहीं आई ये ना बहुत बहुत इंटेंस सॉन्ग था ठीक है जिसमें म्यूजिक वाज नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है अर्जुन ढिल्लो के सॉन्ग के लिए ना हमें एक साथ में ना लिरिक्स रखने पड़ेंगे लिरिक्स नहीं प्रिंट निकाल के लिरिक्स विद मीनिंग बेसिकली उनका तो कट कट का मीनिंग समझ आया इसमें की कट में कष्ट कष्ट का इसका मतलब KTH कत गूगल जिंदाबाद तो बहुत इंटेंस सॉन्ग था
मैं दो बार तीन बार बोल चुका हूँ कि बहुत इंडियन सॉन्ग था. कुछ चीजें नहीं समझ आई, कुछ चीजें समझ आई, तो हम शायद और किसी के रिव्यूज भी देखेंगे कि उनको हमें समझ आ पाए. ठीक है, बट दिस वॉज लाइक एन ऑनेस्ट फ्रॉम आवर साइड कि हम कुछ कुछ पकड़ पा रहे हैं, हम म्यूजिक भी बेसिस पे समझ पा रहे हैं कि कैसे चल रहा था, क्या था, कि उन्होंने लाइफ में कि उस बंदे ने लाइफ में लोगों के लिए इतने काम किए जो एक्चुअली में तुम गिनवा नहीं सकते. ठीक है, कि एंड में उसने लेकिन क्या खटिया, उसको गोली लगी बस नहीं, क्या कैसे क्या खटिया का मतलब तुमने लाइफ में क्या कमाया तो एंड में. बट एक उन्होंने जो स्टार्टिंग से दिखाया था ना, मतलब उन्होंने ना अपना रेफरेंस लेके ही चीजें बताई है. तूने देखा एंड में, मुझे ऐसा लगता है उसने ये कमाया कि जब सारे लोग खड़े थे ना वो रो रहे थे कि दे एक्चुअली मिस्ड समवन गोइंग, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं जो जाते हैं ना कोई तो उसे कोई पूछता नहीं है. ठीक है, और इतने लोग थे, मेला लगा उनके पे, तो उन्होंने अपना ही रेफरेंस एक तरह से दिखाया कि जब जाएंगे तब लोग मिस करेंगे. तुम लाइफ में ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम्हारे जाने का तुम्हारा पार्ट मिस हो. अगर तुम नहीं मिस हो रहे तो यू आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ. तो मेरे हिसाब से ये मीनिंग निकला गाइस. आप प्लीज अपना मीनिंग नीचे एक्सट्रैक्ट करके बताएं कि सॉन्ग का एग्जैक्ट जिस्ट क्या है. yes. या फिर हमें आप डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, इंस्टा विद निक, इंस्टा विद बानी, व्हिच एवर फील सुटेबल, क्योंकि व्होएवर रिप्लाइज. सो गाइस, दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन कट बाय अर्जुन टिलन, मर्सी, ब्यूटीफुल डन, रैप कर देने निखिल, ते बानी, अडियोस.